ये वाले कपड़े जो है आज उन्होंने निकाल कर रखे उनके धोने के लिए, सारे नहीं निकाले जो मैंने आपको कल बताया था, थोड़े थोड़े करके मैं धोऊंगी, देखती हूँ मुझे कितने धोने हैं कितने नहीं, तो उतने में धो दूंगी। सबसे पहले तो इन्हें मैं आज अभी सवेरे सवेरे जो है ना इन्हें मैं भिगो कर रख दूँ वॉशिंग पाउडर में। गेवन नमकड़ी पत्ता दिया गया था चटनी में, कुछ उधर से मजा है। Thank you.
तो ये देखिए मनु को अभी जो है ना उस ड्रेस चूज करने में समझ नहीं आ रहा, तो उसने किस तरीके से किया उस वो भी बताएगी। ये देखिए अभी उसने सिर्फ तावे तावेली पहना हुआ है तो वो सामने नहीं आ रहे। तो बताओ मनु तुमने कैसे किया, कैसे किया? तो उसने ना हम जो खेलते हैं ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, तो इस पर आ गया ना वो। तो अभी इसने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया है, तो अभी वो ये ड्रेस पहन कर रेडी होकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तो बोलो आज नहीं क्या, मैं मेरे बुआ आजी के घर जाने वाली हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे को रेडी कर रही है। तो अभी मैं जब जाऊंगी तो मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। चलो पढ़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जाके मैं अभी जाके आपसे मिल पा रही हूँ। सवेरे से सब काम 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 ही चल रहा था, लेकिन अभी जो है ना मुझे जोरों की भूख लग गई थी, तो मैंने अपने लिए पोहा बना लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन 2 3 दिन से ना मुझे बड़ा पोहा खाने का ही मन कर रहा था। लेकिन इनकी पसंद की बना इनके पसंद का बनाओ, उनकी पसंद का बनाओ, ऐसा करते करते ना हम लेडीज़ को जो है वो खुद की पसंद का बनाना बनाने को टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन आज है ना मनु के पापा चले गए बाहर उनके काम का, और कृष्णा ले भी चले गए स्कूल आज। कल उसको टेम्परेचर था तो उसको नहीं भेजा था मैंने स्कूल, और आज जो है वो मनु को टेम्परेचर है, सवेरे टेम्परेचर आया था उसे, तो मैंने उसे दवाई दे दी थी, और अभी जो है उसका जो है वो नॉर्मल है। तो अभी वो जा रही है, इनकी बुआ है मनु के पापा की, तो वो यही रहते हैं अकोला में, सिटी में रहती है लेकिन वो, तो उनके यहाँ पे फंक्शन है। उनके यहाँ पे ना एक छोटा सा कृष्ण मंदिर है, तो उसका हर साल वो जो उस आज के दिन उन्होंने उसे बनाया था, तो वो उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो वाला फंक्शन है। तो बस मम्मी पापा और मनु जा रहे हैं, मम्मी ने मुझे भी बोला था लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि कृष्णाली जो है ना वो स्कूल से आएगी 2 बजे, तो उसको भी लेना पड़ेगा ना, तो कुछ किसी को तो घर पर रुकना चाहिए, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी। तो हम लेडीज को जो है ना वो घर का सब उस घर का सबका ख्याल रखते रखते हमारे खुद के लिए कुछ करने को होता ही नहीं, तो लेकिन कभी कभी किसी दिन ना खुद को ऐसा स्पेशल फील भी करवाना चाहिए। तो जैसे मैंने आज सिर्फ खुद के लिए पोहा बनाया है, तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो खुद के लिए भी करनी चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। आखिर हम हाउसवाइफ भी होती ही है ना, तो घर की रानियां होती है हम, अगर हम घर में ना हो तो इनका पत्ता भी नहीं ले किसी का, तो हम है स्पेशल है, तो सिर्फ कभी कभी खुद को इसकी खुद को ये फील करवाना पड़ता है, तो इस वजह से आज मैंने ये किया। मैं बड़ी सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ, तो जब भी कुछ खाने का मन हो हमें खाने बना लेना चाहिए खुद के लिए भी, नहीं तो हम लेडीज़ का क्या होता है ना, हम जो है वो खुद को बनाने के लिए थोड़ा सा आलस कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना ही चाहिए। और मेरा ये जो पोहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं अपना नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ, और अभी मुझे मैंने जैसे आपको बताया था कि मनु के पापा के जो कपड़े हैं वो मुझे धोने हैं, तो वो धो दूंगी और आज का व्लॉग एंड करूंगी। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।